जब भी मैं एक ब्राइडल शो करती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है. यू नो, आई थिंक एक लड़की के लिए हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ वेडिंग डे. सो आई थिंक मेरी काफ़ी प्रिपरेशन हो चुकी है एंड होपफुली इन अबाउट 10 इयर्स आई विल बी डूइंग इट इन रियल लाइफ. एक बहुत ही खूबसूरत लहंगा पहना है जो नीता ने डिज़ाइन किया है एंड आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. जैसा कि आपने कहा दैट यू नो आई लाइक यू सेड आई एम लुकिंग रियली नाइस. Nita's designs have always made me look very, very nice and beautiful. So yeah, I think I would just like to thank her and I'm feeling beautiful. हाँ, ramp करते हुए ज़्यादा nervousness होती है. Actually, जब shot देते तो इतनी nervousness नहीं होती है because we're used to doing that. But yes, when it's ramp, it's a lot of. But मैं हमेशा जब तक हो सकता है I am myself on the ramp. And more than anything, all these garments are so beautifully done by Nita Lulla that she's fabulous. And especially अगर उनका Indian होता है, and anyway she's my favorite designer. I really look up to her. And I think जब उनका कुछ ऐसा एक outfit होता है, तो I'm all the more conscious that I got to wear it right and take it rightly on stage. बहुत ही अच्छी feeling है क्योंकि JW Marriott जो एक perfect destination है शादियों के लिए और वरुणा जानी की जो jewelry है वो बहुत ही सुंदर होती है. और एकदम सुंदर से सुंदर सोनल चौहान जिसने मेरे कपड़े पहने हैं, इन सब की जो अमेलगमेशन है, जो पूरा कनेक्ट है, इट्स ब्यूटीफुल एंड इट्स वेरी इंटीरियर. सोनल की ड्रेस के लिए मेरे ख्याल से 2 महीने लगे थे पूरी कढ़ाई करने में और इसका वज़न होगा तकरीबन 10 किलो. समर कलेक्शन है वो सुंदर भी होना चाहिए और कलर्स प्यारे होने चाहिए, लेकिन उसमें जो एम्ब्रॉयडरी है वो एक जो ग्लिट्स है, जो ग्लिटर है, उसका बहुत ही मायना रहता है क्योंकि लोगों को गर्मियों के टाइम पर गोल्ड ज़्यादा नहीं पसंद आता, सिल्वर ज़्यादा पसंद आता है. आई थिंक दैट्स व्हाट द एंटायर कलेक्शन इज ऑल अबाउट.